आपको बता दें, बुडेरा में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर भीम आर्मी द्वारा मनाई गई जन्म जयंती। टीकमगढ़ जिले के ग्राम बुडेरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी ने किया लोकार्पण और मनाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती। आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को भीम आर्मी और क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी पहुंचे, जहां उन्होंने अनावरण कार्यक्रम कर बाबा साहेब अंबेडकर की विधि विधान से पूजन करते हुए फीता काट कर माल्यार्पण कर बाबा साहेब को नमन करते हुए भव्य ऐतिहासिक जयंती नगर बुडेरा में मनाई। अनुसूचित जात मोर्चा मंडल ने बाबा साहब को माल्यार्पण कर इस दौरान जय भीम और जय भारत के जय घोष से नारा गूंजा। नीले झंडों और तिरंगों के साथ अस्पताल चौराहे से क्षेत्रीय विधायक के साथ भाजपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता व ग्रामीण जन व पुलिस प्रशासन और भीम आर्मी के साथ काफी लोगों ने भाग लेकर बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का प्रण भी लिया एवं एक दूसरे को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। बुडेरा में अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कर वहीं अहिरवार समाज के लोगों के लिए धर्मशाला के लिए विधायक राकेश गिरी द्वारा 3 लाख रुपये सहायता राशि दी जाएगी। और आपको बताते चले, महावीर जयंती के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय विधायक महावीर मंदिर पहुंचकर नमन किया और महेंद्र जैन समुदाय के लोगों द्वारा विधायक का सम्मान करते हुए कहा मंदिर के आसपास हो रही गंदगी को लेकर बात की गई, इसलिए जीना आश्वासन देते हुए कहा हम आपकी कार्यक्रम SDM महोदय से बात करेंगे जिससे आपका कार्य पूरा करवाया जाएगा। बाबा साहब की सोच को जन जन तक पहुँचाना है हम लोगों का लक्ष्य। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और वहीं नगर बुडेरा में राम दरबार पवैया मंदिर दर्शन किए। साथ ही ग्राम के लोगों को अपने कार्य को लेकर जानकारी दी। आपको हर काम करने को लेकर क्षेत्रीय विधायक द्वारा कहा गया, वहीं कुछ ग्राम के विकास कार्य को लेकर मुआयना किया गया। जगह News 24 टीकमगढ़ से MP ब्यूरो कमल राजपूत की खास रिपोर्ट। दे दिया, मत दिया, मुझे विधायक बना दिया, तो आपने जो हमसे उम्मीदें की, जो अपेक्षाएं रखी है, मेरा प्रयास होगा कि मैं अपनी उम्मीदों से खरा उतरूं, अपेक्षाओं को पूरा करूं। मेरी भावना है कि जन भावनाओं के अनुरूप मैं निरंतर काम करता रहूं और अभी जिनकी BPL या मजदूरी के कार्ड बनना हो, अभी हम पिछली बार डिकोली में गए थे, अभी हमने कैंप किया था, इसके बाद हम नया गाँव बुडेरा में भी कैंप करेंगे। तो जिस दिन हम कैंप में आएंगे, जिस दिन के जो भी आवेदन है आप वो दे देना, चाहे BPL के कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन के हो, या किसी योजना के, आपके उनके आवेदनों का 7 दिनों में यही प्रशासन निराकरण करके जाएगा। तो अभी हमारा नया गांव कैंप होगा, इसके बाद बुडेरा में होगा, तब तक जो भी आप अपने आवेदन है वो आवेदन पत्र तैयार कर ले। 8-10 दिन के अंदर हमारा बुडेरा में कैंप होने वाला है, दिन भर हम आपके बीच में रहेंगे, जो भी आपकी समस्या है वो हम तत्काल निराकरण करेंगे। और पुल का जो काम है, चूंकि अभी लेबर नहीं मिल रही है, 1 हफ्ते में जैसे लेबर मिल जाएगी तो काम प्रारंभ हो जाएगा। पानी की समस्या तो 5000 आप जो भी बाल हो आपको वैसे खत्म हो गई, टंकी बनी जाते चिंता कर रहे हैं, अब खुदा पे भर भी नहीं जाने, घर या नल खुले से पानी आए, अब इतने दिन परेशानी है, 6 महीने और काम रुका कर, ठीक है, मिले मिले, जय भीम जय भारत।